आज जो है तीनों पंडाल फुल हो चुका है और बाहर में आप देख सकते हैं पंडाल के बाहर भी लोग यहाँ पे खड़ा हैं। बहुत ज़्यादा धूप है, अभी शाम 4 बजने के बावजूद यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है और यहाँ पे देखेगा तो सारे पब्लिक लोग अभी आ ही रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरा बिहार का लोग जो यहाँ पे आ चुके हैं और बहुत बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि अभी हम लोग आए हैं तो रास्ते में लगभग 5-6 किलोमीटर पहले से ही जाम लगा हुआ है। वो लोग अगर आएंगे यहाँ पे तो वो लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो फिर कहाँ खड़ा रहेंगे। अभी देख सकते हैं यहाँ पूरा पंडाल फुल हो चुका है, तीनों वाला फुल है। कल तो खाली था, बाकी आज खाली बिल्कुल भी नहीं है और सब लोग अभी पूरा बाहर में घूम रहे हैं। पूरा धूप है अच्छा खासा वाला। चलिए मैं आपको आगे जाके दिखा, 4 लाख+ लोग अभी आ चुके हैं और अभी 4:30 बजे का दृश्य मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और कुछ देर के बाद अभी जो मतलब यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर पहले से जो गाड़ी का जाम लगा हुआ, तो वो लोग आएंगे तो शायद वो लोग कहाँ बैठेंगे अभी तो कहना ये मुश्किल है। और सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि कल के टाइम में क्या हुआ था कि कल LED ख़राब था और बाजा भी बहुत ख़राब था, तो इसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था। बाकी आज भी वो जो फिक्स नहीं हुआ है अभी तक, बाकी आगे हो जाएगा और हो जाएगा तो मैं आप लोग को अपडेट वगैरह करता रहूँगा। बाकी अगर आप लोग दूर से आ रहे हैं, अपने बच्चे और कुछ ले कर आ रहे हैं, तो उनके जेब में अपना मोबाइल नंबर वगैरह रख दीजिए। बाकी यहाँ पे जो है आप कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं कर सकते, यहाँ पे कॉल वगैरह भी नहीं लगता है, तो इससे आपको बहुत दिक्कत होगा। तो आप लोग एकदम अच्छे से साथ में रहिए और चलिए हम आपको आगे का भी दृश्य दिखाते हैं। थैंक यू। का साइड देखेगा पंडाल वाला पार्ट में, तो पंडाल वाला पार्ट में ये है कि तीनों पंडाल जो फुल हो चुका है और पंडाल के बाहर भी लोग बैठे हुए हैं और ये स्पेशल बाबा के लिए बनाया हुआ था, तो यहाँ पे लोग का बैठने का जगह भी नहीं है तो ये लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको गेट का दृश्य दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट पे भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और गेट पे उधर अंदर जाने का भी यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको पंडाल का दृश्य जाके दिखाता हूँ। पंडाल ऑलरेडी आज जो है फुल हो चुका है और अभी पता नहीं चल रहा यहाँ से कि आज जो LEDs की चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, और हम वहाँ जाके आप लोग को दिखाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बाबा लोग हैं। बाबा के दर्शन हुए क्या आपका? अभी बाबा एंट्री किए थे इस गेट से, तो आप लोग दर्शन नहीं किए बाबा का? कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से हैं सर? कहाँ से अभी है? उनका गाड़ी दर्शन हो गया, आवाज दर्शन हो गया। चलिए आज आप पहला दिन आए हैं? नहीं भाई, दूसरा दिन कल भी हुआ। जितना आदमी चाहता है उतना नहीं होता। सब चाहता है कि कम बेरे में लटकल रहे। सही है। संभव है? नहीं, जितना होता है उतना में संतोष है। सही है। और कल तो बाबा गेट के बाहर मतलब कार से निकले हुए थे, तो क्या कहना है, बजरंगबली की कृपा है जो सब। सही है। उनकी कृपा है, इतना भीड़ संभालना आज जो है के बस के बीच बात है। हाँ, आज जो है यहाँ पे 4 लाख+ लोग हैं, कल भी 2 लाख के समथिंग यहाँ पे लोग हैं। हाँ। और आज जो है 4 लाख+ पब्लिक यहाँ पे करते हैं ज्यादा। बाबा के चाहने वालों तो लाखों करोड़ों में है और यहाँ पे भी बाबा। बाबा आपका क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं बाबा? अच्छा, तो बाबा का तो दर्शन लेके आप लोग प्रवचन सुनने आए? जी सही है, बाबा आप कुछ ही देर में बैठेंगे। प्रवचन बाबा का शेखपुरा जिला है। अच्छा, शेखपुरा जिला से आप लोग आए? नालंदा से। अच्छा, नालंदा से आए आप? ऐसे ही है। अच्छा, सबके दिल में रहे। हाँ, वीर विनु हनुमाना राम जास कृपया आप बखाना, मंगल मूर्ति मार्ति नंदन सकल मंगल जी। एक बार बाबा जोर से जयकर लगा दिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय। तो देख सकते हैं लोगों में जो है काफ़ी उल्लास है और बाबा के जितने भी चाहने वाले लोग हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं लोग पीछे बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो बाबा का प्रवचन वगैरह सुन रहे हैं और सब बाबा को दर्शन करने आए थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे का भी दृश्य आपको दिखाता हूँ।